नमस्कार, मैं दीपक रजक डीजीएन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हैं अभी तक की प्रमुख खबरें। आज कांग्रेस ने किया गुना बंद का आह्वान। हम आपको बता दें कि कल मंदसौर में हुई किसानों की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने किया था बंद का ऐलान। कांग्रेसियों ने आज दुकानों को बंद कराया और उसके बाद रैली के रूप में किसानों की हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ज्ञापन दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसान विरोधी नीति अपना रही है। सरकार ने वादा किया था कि किसानों को फसल का 50% दिया जाएगा, जो कि किसानों को अब तक नहीं मिला है। इससे किसान दुखी है, इसी कारण किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। पर सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है और आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस को भेज दिया और पुलिस की गोली के चलने से 6 किसानों की मौत हो गई। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, जिसमें मृतकों को 1 करोड़ और घायलों को 5 लाख देने की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार के जो गलत नीतियों के कारण से मंदसौर क्षेत्र में 6 किसानों की शहादत से इस देश का मन तो दुखी है, देश के साथ साथ प्रदेश और गुना के समस्त नागरिक भी आज जलियांवाला कांड के डायर के कृत्य को कहीं ना कहीं याद करने को लाचार कर दिए गए हैं। उस कृत्य से भी देश दुखी हुआ था और उसके बाद जो आक्रोश पैदा हुआ उसे सन 1947 के तौर पे देश ने आज़ादी के रूप में देखा था। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की चाहे मोदी जी की नीतियों के कारण शिवराज सिंह जी की ये हिम्मत रही हो कि उन्होंने 6 किसानों को शहादत के लिए लाचार किया। ये शहादत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता में भी 1947 से पूर्व की उस भावना को प्रज्वलित करेगी, जिससे उन नीतियों से इस प्रदेश को मुक्ति मिल सके जिन नीतियों के कारण 6 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। हम सब इस बात का भी स्मरण करते हैं कि जब बीते 8 दिनों से मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा था किसानों का, यदि चाहते तो शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार जाग सकती थी, लेकिन उन्होंने जनता को जैसा इन 13 वर्षों में हल्के में लिया था, उन्होंने इस आंदोलन को भी हल्के में लिया। जबकि किसान आज सबसे ज़्यादा आक्रोशित है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष पूर्व जनता को और विशेष करके किसानों से ये कह के वोट लिए थे कि आपकी पूरी लागत पे हम 50% किसानों को फसल पे मुनाफा देंगे। उस आस में किसान बैठा हुआ था, परंतु हाल ये कर दिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50% मुनाफा देने की बजाय 150 रुपये का जो बोनस सोनिया जी और राहुल जी और मनमोहन सिंह जी के कारण पूरे देश भर में मेला करता था, उससे भी महरूम कर दिया है। आज आम किसान आक्रोशित है और साथ ही साथ उन किसानों के उस आक्रोश के साथ जो किसान दुखी है, उस दुख में कांग्रेस के जन भी भागीदार हैं। आज निश्चित तौर पे गुना शहर के नागरिकों ने और गुना शहर के व्यापारी बंधुओं ने जो अभूतपूर्व बंद के तौर पे समर्थन दिया, निश्चित तौर पे वो समर्थन कांग्रेस का आह्वान तो बहुत छोटा सा पक्ष है, लेकिन व्यापारियों का और आम नागरिकों का ये समर्थन उन 6 किसानों की शहादत के प्रति है, जिसके कारण से आज ये संपूर्ण मध्य प्रदेश बंद करने को मोदी जी की सरकार ने और शिवराज सिंह जी की सरकार ने लाचार किया। हम उन 6 किसान भाइयों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और समस्त परिवारजनों के उनके दुखों में हम सब शरीक हैं। मलेरिया उन्मूलन को लेकर हुई कार्यशाला। रेड क्रॉस भवन में मलेरिया उन्मूलन की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मलेरिया से बचने के तरीके बताए गए और कहा गया कि अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसकी साफ़ सफाई करें। अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें गंबूसिया मछली डालें। अगर आपको मलेरिया की आशंका है तो तुरंत ही अस्पताल जाकर अपनी जांच कराएं। मछली
कार्यशाला मलेरिया उन्मूलन को लेकर की गई है और इसमें हम सभी समाज के सभी वर्गों का सहयोग मांग रहे हैं। इसमें एक तो हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, गणेश पंप लोग अपनी अपनी रखें और पारित हम छिड़काव किया करें। और दूसरा जो है हमारा ये है कि जहाँ पानी भरता है अपन गमूसिया मछली डाली जाए ताकि जो है वहाँ पर लोग। और तीसरे रेपिड डायग्नोस्टिक किट है उसके उपयोग के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं। अब देन एंड देयर अपन जो है उसकी महंगे सीपीआई और मजदूर संगठनों ने प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा है कि किसानों को शिवराज सरकार गोलियों से उड़वा रही है, यह शर्मनाक है। इसका मंदसौर घटना में सच सामने आ गया है और सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। ये मध्य प्रदेश में और खास तौर पर भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से मंदसौर जिले के अंदर किसानों की हत्या की है, जिसमें 6 किसान आज काल के गाल में समा गए हैं, बाकी के गंभीर रूप से घायल भी मौत की कगार पर खड़े हुए हैं। ऐसा जो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोकतंत्र को पूरी तरीके से कुचलने का काम किया है, किसानों की हत्या की है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ये गोली चालन इसकी सरकार के रहते हुए हुआ है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को पूरी जिम्मेवारी लेना पड़ेगी। वामपंथी दलों के द्वारा ये विरोध कार्रवाई आयोजित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री को खुद उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और दोषी पुलिस वाले जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है FIR दर्ज करने के बाद उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए। ये हमारी वामपंथी दलों की मांग है। आज हिंदू जागरण मंच द्वारा छत्रपति शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए जो DJ की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। आरोन में बरसते पानी में कांग्रेस ने निकाली रैली। गुना जिले के आरोन तहसील में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोन में बाजार बंद कर रैली निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा एवं किसानों की निर्मम हत्या एवं शिवराज सरकार के आदेश के द्वारा की गई, जिसके विरोध में आरोन में बाजार बंद किया गया। कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन कर प्रदेश शासन को जिम्मेदार ठहराया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मिंटूलाल जैन ने कहा है कि देश की मिलिट्री के जवानों को श्री मोदी गोली चलाने का आदेश नहीं देते, जो कि मिलिट्री के जवान भले ही सीमा पर पिटते रहते हैं। यहाँ पर प्रशासन ने पुलिस को किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर मंदसौर में धरना दे रहे थे। समस्त कांग्रेस जनों ने प्रदेश शासन की आलोचना की एवं मंदसौर में मारे गए किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। मंदसौर में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज एवं फायरिंग के विरोध में आज राधोगढ़ बंद रहा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नगर एवं पार्षद के युवा संगठनों ने सड़कों पर उतरकर दुकानों को बंद कराया। राधोगढ़ से बलवंत धाकड़ की रिपोर्ट। ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे उसको जो सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों से दबाया। हिंदुस्तान में किसानों के लिए दो मंडियां हुआ करती थी, एक मंडी छोटे छोटे
हमारे सब्जी विक्रेताओं के लिए सब्जी मंडी थी और दूसरी मंडी किसानों की कृषि मंडी हुआ करती थी। कल से हमको देखने को मिला कि किसानों की मौत की मंडी भी इस सरकार ने शुरू कर दी है, जिसमें किसान की मौत की बोली लगाई जा रही है। जो 2 लाख से शुरू की, फिर 4 लाख कर दी और आज 1 करोड़ कर दी। सरकार के ठेकेदारों से मैं कहना चाहूंगा कि किसान को इतना कमजोर न माने। अगर एक मंडी ये लगाई तो एक मंडी और शुरू करें। हम 1-1 किलो अनाज 1-1.5 रुपए दे सकते हैं, और अगर मौत की बदले मौत की गोली लगाई जाए तो मैं कहता हूँ, आह्वान करता हूँ इस मंच से, तो किसान जिस दिन आंदोलन करने पर आएगा, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर लेगा और एक एक इन ठेकेदारों की मौत के बदले अगर अरबों का मुआवजा भी देने के लिए किसान तैयार है, इस डेवलप में नहीं रहे। और जिस दिन किसान आंदोलन को उतर आएगा, उस दिन तो मध्य प्रदेश तो क्या हिंदुस्तान की सरकार ही आएगी। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप किसानों को एकजुट होके और आंदोलन करना ही पड़ेगा। आज इस कार्यक्रम में रावण के प्रत्येक प्रतिष्ठान ने कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जो सहयोग दिया है उसके हम आभारी हैं। और लोग ये न समझे कि ये आज किसान आंदोलन, आज किसान दुख की घड़ी में अपने घर बैठ के मंथन कर रहा है, वो सड़क में नहीं आ सकता। आप जानते हैं कि कल कितनी बड़ी घटना हुई है। लोग उसी कार्यक्रम में जिस तरह सांत्वना देने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी आज उनके साथ खड़ी है और इस आंदोलन में उनके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए तैयार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंडी व्यापारियों ने किया आधे दिन का बंद। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपज का भुगतान आधा नगद और आधा RGTS से करने की घोषणा के विरोध में व्यापारियों ने आज आधे दिन मंडी को बंद रखा। व्यापारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि या तो भुगतान पूरा नगद में या पूरा RGTS में किया जाए, जिससे किसानों की समस्या भी हल होगी। दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ और तेज गर्मी से झुलस रहे लोगों को बारिश ने राहत पहुंचाई। सूर्य की आग से जहां पारा बढ़ा हुआ था, तो वहीं बुधवार को 1 बजे के बाद मौसम के बदलते ही बारिश का दौर शुरू हुआ और झमाझम बारिश भी हुई। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।